हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल लोटनी आज आप सबके सामने असम जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी काम आएगा। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर वन। जोनाकी मैगजीन वाज पब्लिश्ड इन, जोनाकी मैगजीन कब पब्लिश हुआ? 1889, 1899 या 1989 या ऑप्शन डी 1999। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1889, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा वाज, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कह सकते असम साहित्य सभा का वो कौन थे? ऑप्शन ए मित्रादेव महंत या ऑप्शन बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ या ऑप्शन सी बेनुदर राजखुआ या ऑप्शन डी तरुणराम फुकन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी मित्रादेव महंतो। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और ये सब मैं कह सकता हूँ पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा ऑफिशियल ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। क्वेश्चन नंबर देखो थ्री, फर्स्ट असमिस नोबेल रिटर्न बाई पद्मनाथ गुहाई बरुआ इज, जो फर्स्ट असमिस नोबेल लिखा था पद्मनाथ गुहाई बरुआ जी ने, सो कौन सा था? मिर्जोरी, बानुमती या देव लांखुई या ऑप्शन डी मकाम। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी भानुमती। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर, हसा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई हुई कम्युनिटी, हसा फेस्टिवल कौन से कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट होता है? टी ट्राइब, कर्बी ट्राइब या मिसिंग ट्राइब या कह सकते हैं बोडो ट्राइब। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी कार्बी ट्राइब। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैडम मेफी इज सेलिब्रेटेड बाई हुई कम्युनिटी, मैडम मेफी कौन से कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं? खचाड़ीस या बोडोस या कह सकते हैं टी ट्राइब या ऑप्शन डी आहुम। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देखो ऑप्शन डी यानी आहुम। ये याद रखना, मैडम मेफी कौन सा कह सकते कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं? ये राइट आंसर होगा आहुम। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और पार्ट टू में लेके आ रहा हूँ, सिक्स से लेके, सो वो भी आप लोग देख लेना। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फुल स्किल टेस्ट के लिए, आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। थैंक यू सो मच।